आपको बता दें कि जल झूलनी एकादशी पर राजस्थान सरकार की नई पहल देखने को मिली है। जल झूलनी एकादशी पर जल दिवस मनाने की तैयारी में है सरकार। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं और 14 सितंबर को मनाई जाएगी जल झूलनी एकादशी। तो जल झूलनी एकादशी पर राजस्थान सरकार की नई पहल, जल झूलनी एकादशी पर जल दिवस मनाने की तैयारी में है राजस्थान सरकार। सभी विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं और 14 सितंबर को मनाई जाएगी जल झूलनी एकादशी। और वहीं आपको बताते चले, गजेंद्र सिंह शेखावत फोन टैपिंग मामले में एक नया ट्विस्ट आया है, नया मोड़ आया है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की जांच को रोकने के लिए दायर याचिका वापस ले ली गई है। भजनलाल सरकार की ओर से दायर याचिका को मंजूरी मिली थी और पूर्व गहलोत सरकार की ओर से जांच रोकने को लेकर दायर भी की गई थी याचिका। गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दिल्ली क्राइम ब्रांच में दर्ज करवाया गया था मुकदमा और सुप्रीम कोर्ट से मिली मंजूरी कि दिल्ली क्राइम ब्रांच की जांच होगी तेज। जी हां, तो बहुत ही विवादास्पद विषय है ये। गजेंद्र सिंह शेखावत फोन टैपिंग मामले में एक नया मोड़ आया है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की जांच को रोकने के लिए दायर याचिका वापस ले ली गई है। सोमू आनंद हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। सोमू, बड़ा एक नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। आखिर ये नया जो मोड़ आया है, नया ट्विस्ट जो आया है, क्या कुछ और चीजों को खोलेगा, क्या कुछ और चीजें सामने आ सकती हैं इस नए ट्विस्ट से? जी हाँ, तो जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत फोन टैपिंग मामले में एक नया मोड़ आया है, जांच होगी तेज, कई नेताओं की बढ़ सकती है मुश्किलें। गजेंद्र सिंह शेखावत फोन टैपिंग मामले में एक नया मोड़, भजनलाल सरकार की ओर से हम आपको बता दें दायर याचिका को मंजूरी, पूर्व गहलोत सरकार की ओर से जांच रोकने को लेकर दायर भी याचिका की गई थी। वहीं अब दिल्ली क्राइम ब्रांच में जो है ये दर्ज करवाया गया था रिपोर्ट और अब दिल्ली क्राइम ब्रांच की जांच तेज होगी, ये सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिल चुकी है। तो अब देखने की बात ये होगी कि जब जांच तेज होगी तो और कौन नेता हैं जो इस पूरे प्रकरण में और आ सकते हैं, जिनकी संलिप्तता हो सकती है, कई नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सोमू आनंद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता हैं। सोमू, सुप्रीम कोर्ट से मिली मंजूरी कि दिल्ली क्राइम ब्रांच की जांच अब तेज होगी, जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता रहे थे, एक नया मोड़ है, नया ट्विस्ट है, कौन कौन से नेताओं की अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं? सोमू, क्या कुछ अब देखने को मिल सकता है, कौन से नए खुलासे, जरा आपका आकलन बताइए। बिल्कुल, देखिए, इस फैसले के बाद सबसे अधिक मुश्किलें अगर किसी की बढ़ सकती हैं तो लोकेश शर्मा की बढ़ सकती हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के तत्कालीन ओएसडी थे। हालांकि उन्होंने भी संभावित खतरे को भापा था और उसके बाद हाल के दिनों में की गई उनकी बयानबाजियां इस बात की गवाह हैं कि वे किस तरह से अपने आप को सुरक्षित करने की कवायद में जुटे थे। बहरहाल, इतना जरूर है कि अब दिल्ली क्राइम ब्रांच जब इस मामले की जांच करेगी तो निश्चित रूप से एक बार फिर से लोकेश शर्मा की मुश्किलें जो है वो और ज्यादा बढ़ सकती हैं। उनसे पूछताछ का सिलसिला जो है एक बार फिर से शुरू हो सकता है और उन्हीं के उनके बयानबाजी के आधार पर, क्योंकि इस बीच में उन्होंने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और कई ऑडियो क्लिप जो है वो पब्लिक डोमेन में वो लेकर आए थे, तो उन सब के आधार पे आने वाले दिनों में जो जांच है वह आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल, और लोकेश शर्मा से पहले भी पूछताछ हो चुकी है सोमू, और क्या फिर से नए सिलसिले से पूछताछ होगी क्या? बिल्कुल, देखिए, उनसे और पूछताछ हो सकती है, इसलिए भी पूछताछ हो सकती है क्योंकि वो जो दस्तावेज और जो ऑडियो क्लिप्स, हम आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव में वोटिंग से पहले वो लेकर आए थे पब्लिक डोमेन में, उन्होंने उन सारी चीजों को रखा था, उसके बाद उन सभी मुद्दों पर उनसे पूछताछ हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए ठीक है सोमू, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।